2024 मेट गाला कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट की नई एक्सिबिशन स्लीपिंग ब्यूटीज अवॉकनिंग फैशन हो गया, जिसका थीम था द गार्डन ऑफ टाइम। इंडिया से इसमें शिरकत की थी आलिया भट्ट, ईशा अंबानी, नताशा पूनावाला, सुधा रेड्डी और मोना पाटिल ने। 400 से अधिक वर्षों के फैशन इतिहास को इसमें दिखाया गया और जो कपड़े दोबारा पहने नहीं जा सकते नाजुक होने के कारण, जैसे 1877 का चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ बाल गाउन, उन्होंने वीडियो एनिमेशन और एआई की मदद से दिखाया गया। यह न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुआ था। आलिया भट्ट की साड़ी की बात की जाए तो पेस्टल ग्रीन रंग की खूबसूरत साड़ी को सब्यसाची ने तैयार किया। इस साड़ी को बनाने की प्रेरणा 1920 के काल से आई। इसे बेहद खूबसूरती से हाथ की कढ़ाई से बनाया गया, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। आलिया की साड़ी में जो फूल लगे थे उन्हें भी हाथ से तैयार किया गया था। यह साड़ी इवेंट की थीम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। उनकी साड़ी के पल्लू ने लोगों का ध्यान खींचा। दरअसल एक्ट्रेस के साड़ी का पल्लू काफ़ी लंबा था, जिस पर सुनहरे रंग के काम के साथ फूल जोड़े गए थे। इसके अलावा गुलाबी सफ़ेद रंग, फूल और हरे रंग की पत्तियां उनकी साड़ी के पल्लू को हाईलाइट कर रही थी। आलिया के हिसाब से साड़ी को बनाने में शिल्पकारों, कढ़ाई करने वालों, कलाकारों और रंगरेजों सहित 163 व्यक्तियों ने काम किया। इसके साथ ही इस साड़ी को बनाने में कुल 1965 आवर्स लगे। ईशा अंबानी भी इस इवेंट का हिस्सा थी। उन्होंने कस्टम मेड राहुल मिश्रा साड़ी गाउन पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें किसी अन्य की तरह एक पुष्प कल्पना का प्रतीक था। लोभावने पहनावे में नाजुक पुष्प, तितलियों और ड्रैगन फली से सजी एक शानदार ट्रेन दिखाई गई, जिसे बनाने में 10,000 घंटों से ज़्यादा का समय लगा। मोना पटेल ने 2024 मेट गाला में लॉ रोच द्वारा स्टाइल की गई कस्टम आइरिस वैन हरपेन ड्रेस में सबका ध्यान आकर्षित किया। उनकी ड्रेस क्रीम और हल्के भूरे रंग की थी, जिसे तितली की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें स्टेपलेस नेकलाइन पर वास्तुशिल्प विवरण और पंखों के आकार की नकल करने वाली कढ़ाई की गई थी। उनकी ड्रेस ने हाथों पर जो काम किया था वो सबसे ज़्यादा खास था। कफ तितलियों से बने थे, जो पटेल के लाल कालीन पर चलते समय अपने पंख फड़फड़ा रहे थे।